और बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले में आज हुई सुनवाई। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने की सुनवाई, अगली सुनवाई 4 मई को निर्धारित। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर सीधे महाराजगंज से, जहां बीजेपी और सपा ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और जिला पंचायत की 47 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। 19 अप्रैल को मतदान होगा और इसके साथ ही 2 मई को मतगणना होगी। तो बीजेपी और सपा ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और जिला पंचायत की 47 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद आरिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद, बीजेपी और सपा ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दिया और 47 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जी, जैसा कि महाराजगंज में 47 सीटें हैं जिला पंचायत प्रत्याशियों की, और सभी सीटों पे जो है अपने अपने प्रत्याशी भाजपा और सपा ने उतार दिया है, और दोनों पार्टियों में इस जनपद में दंगल देखने को मिलेगा। और जिला पंचायत की तमाम मुख्य सीटों पे जिन प्रत्याशियों को टिकट मिलने थे, जिन्होंने बहुत उम्मीद जताया था कि यहाँ पे हमको भाजपा से या सपा से टिकट मिलेगा, उन सीटों पर उनको टिकट नहीं मिला है, जिसको लेके जहाँ एक तरफ पार्टियों में रोष है, तो दूसरे तरफ जिनको सीटें मिली हैं, जिनको टिकट मिल चुकी है, उनके में खुशी की लहर दौड़ रही है। कुछ तो ऐसे भी हैं जो पटाखे फोड़ रहे हैं, अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं और मिठाइयां भी बांटते नजर आ रहे हैं। आरिफ, महाराजगंज में किसका दबदबा, बीजेपी या सपा? इन दिनों में महाराजगंज में तो भाजपा का दबदबा दिखाई दे रहा है, चारों तरफ से भाजपा के प्रत्याशी आज दावेदारी में है, लेकिन सपा को भी अभी कमजोर नहीं आका जा सकता है, जिस तरह का माहौल महाराजगंज में देखने को मिल रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो बीजेपी और सपा ने अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, 2 मई को मतगणना होगी और इसके साथ ही 19 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। जिला पंचायत की 47 सीटों पर अपने उम्मीदवार बीजेपी और सपा ने उतार दिए हैं। तो कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इस दौरान दिल्ली में किसी भी तरह की गतिविधि पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी और इसके साथ ही आवाजाही पर भी पाबंदी रहेगी। दिल्ली सरकार का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है और हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को राहत दी जाएगी। दिल्ली में बीते 4 दिनों में 3500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और पॉजिटिविटी रेट भी 5.5% से ऊपर पहुंच गया है, जिसे ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे सहयोगी सागर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, दिल्ली सरकार पूरे तरीके से लगातार कदम उठा रही है ताकि कोरोना को काबू किया जा सके और इसी के तहत 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। बिल्कुल राकेश, जिस तरह से 30 अप्रैल तक ये पाबंदियां लगाई गई हैं, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा जी, और आने जाने पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि बढ़ते कोरोना के मामलों पर कहीं से तो कुछ हालात काबू में आए, क्योंकि इस समय दिल्ली में भी हालात चिंताजनक हैं। महाराष्ट्र के साथ ही साथ देश के कई राज्यों में आप देख रहे होंगे जिस तरह से हालात इस समय चरम पर है, लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। आज के दिन बिहार में भी पीएम नरेंद्र मोदी भी 8 तारीख को हाई लेवल बैठक करेंगे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जी। उसके पहले दिल्ली में क्या है कि बाहर से आने जाने वाले लोगों की संख्या काफी रहती है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने बड़ा कदम उठाया है। आने वाले दिनों में भी और भी तक पाबंदियां लगाई जा सकती हैं अगर बढ़ते मामलों पर अगर ब्रेक नहीं लगा तो। सागर, पिछले 4 दिनों में 3500 से ज्यादा मामले आए हैं अगर आंकड़ों की बात करें, और आंकड़े दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे दिल्ली सरकार की चिंता लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। बिल्कुल, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने पाबंदियां लगाई हैं। अगर बात करें हम कोरोना के बढ़ते मामलों की, तो कल के दिन जो 1 लाख से अधिक जो मामले सामने आए पूरे देश भर के अंदर, वो अभी तक के सबसे अधिक रिकॉर्ड मामले थे जी। जब से कोरोना की कहर की शुरुआत हुई तब से जाकर अभी तक ये सबसे अधिक मामले देखे गए पूरे देश भर में जी। और अगर हालात अगर काबू में नहीं आए, क्योंकि कई राज्यों में देखिए राखी चुनाव भी है, चुनाव के मद्देनजर भी सुरक्षा बहुत अधिक जरूरी हो जाती है,
जी, तो चुनावी राज्यों में भी कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। चाहे हम बंगाल की बात करें, जी पिछले 24 घंटों में बंगाल में 1,957 मामले सामने आए। जी, तो हो सकता है कि उन राज्यों में भी पाबंदियां लगा दी जाए ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन वहां पर चुनाव है, इसको देखते हुए भी सरकार फैसला लेगी। बिल्कुल सागर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू दिल्ली में लगा दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नव नियुक्त अनूपपुर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद पहली बार अनूपपुर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। आयोजित स्वागत समारोह में किसान कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष डॉक्टर राज तिवारी समेत अन्य लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान नव नियुक्त जिला अध्यक्ष ने पार्टी आलाकमान को धन्यवाद किया। तरीके से अनूपपुर जिले का एक इतिहास रहा है कि अनूपपुर जिले में हमारा कोई किसी प्रकार की न बिखराव है। सबसे आज मध्य प्रदेश में यदि मजबूत है तो अनूपपुर जिले में है, और इसका हम लोगों ने एक उपचुनाव में हमारे आदरणीय कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, आदरणीय नेताओं ने, जिले के सारे लोगों ने एक धागे से में गुद करके और बड़े से बड़े मुकाबला को हम लोगों ने, चुनावी को हम लोगों ने देखा है, लड़ा है। कांग्रेस परिवार, NSUI, सेवा दल, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस, सभी लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। साथ में हमारे गोतमा के विधायक आदरणीय सुनील सराफ जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल जी, और साथ में हजारों की संख्या में हमारे जिले से के कोने कोने से आए हुए कार्यकर्ता जो यहाँ पे बॉर्डर पे मौजूद थे, गर्मजोशी के साथ आदरणीय जिला नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आदरणीय कुंदलाल सिंह मार्को का। तो हमीरपुर में जनपद प्रशासन की ओर से बाल मजदूरी पर लगाम लगाने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। जांच पड़ताल की इसी कड़ी में श्रम विभाग सहित जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने बस स्टैंड और आसपास के इलाकों की दुकानों में छापेमारी की। इस दौरान कई दुकानों में नाबालिगों को काम करते हुए देखा गया, जिसके बाद दुकान संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर नोटिस दिया गया है। तो लगातार यूपी में कयास लगाए जा रहे हैं कि बाल मजदूरी कम की जाए, इसके बाद भी इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। जो हमीरपुर जनपद में जनपद प्रशासन की ओर से बाल मजदूरी पर लगाम लगाने के लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। जांच पड़ताल की इसी कड़ी में श्रम विभाग सहित जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने बस स्टैंड और आसपास के इलाकों में छापेमारी की, जहां पर कई दुकानों में नाबालिगों को काम करते हुए देखा गया, जिसके बाद दुकान संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता आनंद अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, कोशिश यही कि बाल मजदूरी को रोका जा सके, उसके बाद भी इस तरीके की तस्वीरें और इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हमीरपुर जिले में होटल हो या चाय की दुकानें हो या कोई भी दुकान हो, उसमें बाल मजदूरी की परंपरा है, और यहाँ पर जो भी बाल श्रमिक होते हैं दुकानों पर काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, और उनके परिवार वाले भी इस परंपरा को बढ़ावा देते हैं। इसी को लेकर के श्रम विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने आज छापेमारी कार्रवाई करी, और उसमें जो भी दुकानों में बाल श्रमिक पाए गए उन दुकानदारों के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए कड़ी कार्रवाई करने की गई है। आनंद, कितने दुकानों को यहाँ नोटिस दिया गया है? जी मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 1 दर्जन से अधिक दुकानों को नोटिस दिया गया है जी, और कुछ बाल मजदूरों को काम करते हुए पाया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जी। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो दुकान में बाल मजदूरी करते हुए लोग देखे गए। तो एक तरफ देश में किसान धरने पर बैठे हैं, तो दिल्ली बॉर्डर पर देश भर के किसान अलग अलग मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। लेकिन किसानों की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। मामला उत्तर प्रदेश के रायबरेली का है, जहां किसानों की फसल में आग लग गई, जिससे किसानों की फसल तबाह हो गई। बता दें कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, जिसके बाद किसानों पर एक और आफत आ गई। साल भर की जिस फसल को मेहनत से खड़ा किया था, वो जलकर राख हो गई।
तो एक तरफ जहां दिल्ली में किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है और शॉर्ट सर्किट की वजह से लगातार खेतों में आग लगने की खबरें सामने आ रही है। सोनभद्र के पुलिस लाइन सभागार में नक्सल समन्वय गोष्ठी का आयोजन किया गया। बता दें कि डीएम और पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम किया गया। गोष्ठी की शुरुआत छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में शहीद जवानों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के साथ हुई, जिसके बाद आगामी ग्राम पंचायत में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अधिक सतर्कता बरतने जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में जनपद के तमाम ब्लॉक के अधिकारी शामिल हुए। तो रायबरेली में बीते दिन बिजली कनेक्शन युवक काटने पर युवक मां को मारा पीटा गया था, जिसके बाद उसके साथ मारपीट हुई थी। बता दें कि मारपीट का ये मामला तूल पकड़ने लगा है। इस घटना में आक्रोशित बिजली विभाग के कर्मचारियों ने धरना दिया और साथ ही मारपीट के प्रमुख जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की मांग की। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता असद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। असद, बिजली काटने गया था युवक और उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई, अब यह मामला तूल पकड़ने लगा है, क्या कुछ जानकारी विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल राकेश, ये देखिए लालगंज थाना क्षेत्र का मामला है और वहां से ही सत्ता पक्ष के विधायक हैं रिग्रेन बहादुर सिंह, वो उन्हीं के प्रतिनिधि हैं जिनके घर का कनेक्शन काटने ये विद्युत कर्मी गया था, जिसके साथ मारपीट की गई है और उस पर मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा था, जिसको लेकर आज विद्युत कर्मी लामबंद होकर धरने पर बैठे हैं। राकेश, तो फिलहाल स्थिति क्या है असद वहां की? देखिए जिस तरह से वो धरने पर बैठे हैं इसको अधिकारियों ने संज्ञान पे लिया है, लेकिन अभी तक इस मामले पर और मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है। फिलहाल कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा तो सत्ता पक्ष का दबाव जरूर कहा जाएगा। राखी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो बिजली काटने गया था युवक जिसके साथ मारपीट की गई। तो वहीं बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान एक पक्ष की ओर से धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें एक पक्ष की महिला समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने तीन लोगों को मामले में गिरफ्तार भी कर लिया है। दो महराजगंज में अपराधियों का हौसला सर चढ़कर बोल रहा है। अपराधियों के बढ़ते हौसले पर पुलिस लगाम लगाने में लगातार विफल साबित हो रही है। जिले के नौतनवा में बीते दिन स्वर्ण व्यवसायी के घर चिट्ठी फेंक कर 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग किए जाने के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस को आवेदन देकर सुरक्षा की मांग की गई है। हालांकि अब तक जिले में आला अफसर केवल मौके पर मुआयना करने में जुटे हैं। घटना के तीन दिन बाद भी पुलिस की ओर से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो प्रयागराज पुलिस को वंचित अपराधी खिलाफ सफलता हाथ लगी है, जहां तीन थानों के अलग अलग मामलों में वांछित हिस्ट्री शीटर अपराधी को पुलिस ने नवाबगंज थाने क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार अपराधी पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अपराधी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
तो वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले में आज सुनवाई हुई। बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में ये सुनवाई हुई, जहां बाबूलाल मरांडी के वकील ने कोर्ट से आग्रह कर जवाब पढ़ने और काउंटर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिस पर अदालत ने समय देते हुए अगली सुनवाई 4 मई को निर्धारित की है। आज केस में 2 मामले आए थे बाबूलाल मरांडी जी का और एक और केस था लीडर ऑफ अपोजिशन का और एक था स्वतः संज्ञान लेने वाले मामले में। तो 9 मार्च 2021 को माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था, स्पीकर महोदय ने समय मांगा था अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए, तो उसमें कहा था ऑनरेबल कोर्ट ने कि अगर चाहें स्पीकर साहब तो अपना जवाब फाइल कर सकते हैं। गिरिडीह नगर इकाई के पुनर्गठन को लेकर पार्टी कार्यालय में एक बैठक की गई। ये बैठक पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हुई, जिसमें नगर कमेटी के चुनाव पर भी चर्चा की गई। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं की राय ली गई, काफी देर तक सहमति बनाने का प्रयास किया गया। मौके पर जिला अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ताओं में किसी एक उम्मीदवार के नाम पर सहमति नहीं बनने पर वोटिंग की प्रक्रिया अपनाकर नगर अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। नगर समिति के पुनर्गठन हेतु कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा किया जा रहा है कि चुनाव की क्या प्रक्रिया हो, चयन का क्या प्रक्रिया हो और जो भी राय शुमारी होगा उसको पार्टी निर्णय लेगी। अगर सब लोगों का अगर सब सम्मति से निर्णय होता है तो आज ही चुनाव सकता है, नहीं तो फिर अगली तिथि 1-2 दिन के बाद चयन करेंगे। समस्तीपुर भाकपा माले के पॉलिट ब्यूरो सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी प्रखंड सचिवों की बैठक को संबोधित किया गया, जहां उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव टालकर एक अध्यादेश के जरिए पंचायती राज जैसे लोकतांत्रिक संस्था को कमजोर कर अफसरशाही को बढ़ावा देने की नीतीश सरकार के लोकतंत्र विरोधी कदम है। साथ ही उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्था को नीतीश सरकार जानबूझकर कमजोर करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि बंगाल केरल की तरह बिहार भी दलीय आधार पर पंचायत चुनाव कराया जाना चाहिए, इससे राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। नीतीश सरकार साजिश रच रही है कि कोरोना को बहाना बना करके पंचायत चुनाव को 1 साल के लिए टाल दिया जाए और हो सकता है कि सरकार ऑर्डिनेंस लेकर के आए और पंचायत चुनाव की अवधि का विस्तार कर दे और अफसरों को लूट की खुली छूट देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दे। तो अभी तो ये आकलन है, लेकिन सरकार की ये जो मंशा है, सरकार की ये जो कोशिश है, इसका भाकपा माले कड़े शब्दों में निंदा करती है और हम बिहार में इसको लेकर के एक माहौल बनाएंगे, अभियान चलाएंगे कि संवैधानिक संस्था को कमजोर करने की कोई भी कोशिश को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिला परिषद ने निर्मित स्ववित्त पोषित योजना के तहत दुकानों से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की, जिसमें उप विकास आयुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिए। बता दें कि कचहरी रोड किनारे दुकानों में अनधिकृत कब्जा कर कारोबार किया जा रहा है, जिसकी शिकायत की गई थी। साथ ही ऐसे कई दुकानें हैं जिस पर इस तरीके का काम चल रहा है, लेकिन वहां आवटनधारी और किराएदार के बीच कोई विवाद नहीं है। बता दें कि इन सरकारी दुकानों पर कई माफिया कब्जा कर रहे हैं। दंडाधिकारी जम्मू के आदेशानुसार दुकान संख्या 23 एवं 49 को खाली कराया जा रहा है। अवैध रूप से लोग बहुत दिन से बने हुए थे, अब उसको खाली कराकर सही आदमी। तो वहीं झारखंड के में कोरोना की दूसरी लहर कहर लगातार जारी है। राज्य में कोरोना का विस्फोट हुआ है। कोरोना की लहर में 1086 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। सिर्फ राजधानी रांची में इस साल सबसे ज्यादा 559 मामले सामने आए हैं और जिसके बाद कोरोना के 3263 संक्रमित मरीज हो गए हैं। वहीं राज्य के
वहीं राज्य भर से 10 कोरोना संक्रमितों की फिलहाल मौत भी हो गई है। मेरा पालनपुर है और कोई भी दिक्कत नहीं हुई। मैं तो चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं वो ले लें, बनाई लिए हमारे घर में बच्चे तो परेशान रहते हैं, जैसे कोविड हो जाता है तो भाई बहुत ही इससे बचाव है, बूस्टर होता है, इससे कोई भी हानि नहीं, सिर्फ फायदा फायदा है इससे। और लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि घर जाकर मिलना चाहिए, इसमें कोई भय नहीं है, किसी तरह का भय नहीं है, लोग घबराना नहीं चाहिए, आकर के सुरक्षा से रहना चाहिए और सदर मंत्री इतनी सुविधाएं की क्या बताया जाए। बिहटा में अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि अपराधियों ने युवक को मारकर घायल कर दिया, वहीं भीड़ देखकर अपराधियों ने हवाई फायरिंग की और फरार हो गए। हालांकि फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। तो पुलिस ने घायल युवक को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो खबर छपरा से है, जहां आदर्श ग्राम विकास संगठन ने एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया और जिसमें समाज सेवी और सोनाली पंचायत निवासी इम्तियाज को बिहार सरकार ने समाज में बेहतर काम करने के लिए अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि कोरोना काल हो या बाढ़ काल, समाज सेवी और मुखिया प्रत्याशी इम्तियाज खान ने गांव वालों की मदद की है। मौके पर समाज सेवी ने बताया कि बिहार सरकार ने बेहतर कार्य के लिए पंचायत प्रतिनिधि समेत समाज में अच्छी सोच रखने और आम लोगों के हित में बेहतर काम करने के लिए पिछले महीने पटना में भी सरकार ने इन्हें सम्मानित किया था। शरारती विभाग से संबंध रखने वाले इम्तिहान खान सोनू राहुल बहुत से बधाई, इसलिए कि इन्होंने उसकी स्थान के लिए बिहार सरकार से सम्मानित होकर के चौली गांव का नाम उज्जवल किया। सामाजिक कार्य के लिए मैं बहुत व्यस्त हो गया, जिस कारण मैं वहाँ मोड़िया लोक में पटना नहीं पहुँच पाया और इसी वजह से वहाँ के जो स्टाफ थे पटना से मेरा मोमेंटो और मेरा सर्टिफिकेट जो भी बिहार गवर्नमेंट की तरफ से मिला है मतलब ला के उन्होंने पहुँचाए, वो लोग पहुँचा गए, इसके लिए मैं धन्यवाद। सारण जिला बिहार का ऐसा पहला जिला है जहां पर आईपीएल की तर्ज पर सारण प्रीमियर क्रिकेट लीग T20 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कुल 9 फ्रेंचाइजी टीम अगले 10 दिनों तक एक दूसरे का मुकाबला करेंगी और 15 अप्रैल को फाइनल मैच होगा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की इकाई सारण जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में बीसीए के अध्यक्ष ने कहा कि पटना के बाद अब छपरा में आयोजन किया जा रहा है। वहीं सांसद सिग्रीवाल ने भी आयोजन समिति को बधाई देते हुए कहा कि पहले राज्य में क्रिकेट की मान्यता नहीं थी, ये आयोजन बिहार के किसी जिले में पहली बार हो रहा है, इससे यहां के खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और वे राज्य स्तर से लेकर देश के स्तर पर नाम रोशन करेंगे। आयोजन हम लोगों ने अभी बिहार स्तर पे किए थे, आज छपरा में हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन आयोजन है और ऐसे आयोजन होने से छोटे छोटे शहरों से भी अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ियों का प्रतिभा निखरने का मौका मिलता है और दुनिया उनको देखती है। तो मैं यहाँ के टीम को शुभकामना देता हूँ और साथ ही अपने बड़े भाई सिग्रीवाल जी के सहयोग से उनके मार्गदर्शन में सब हो रहा है, उनको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ कि निरंतर इस जिले में ऐसे कार्यक्रम करवा रहे हैं। बिहार के ही दूसरे अन्य जिलों के हैं और वो अच्छे खिलाड़ी हैं, जिससे हम लोगों का यह एक प्रयास भी था कि सारण जिले में क्रिकेट के खिलाड़ियों की प्रतिभा निखरे, उसी प्रयास की कड़ी में यह एक आयोजन किया गया है। मैं आपको याद दिलाऊं कि जब शुरू में जब इस सूबे का खेल मंत्री बना, मैं पहला चिट्ठी मैंने लिखा था कि विषय की मान्यता बिहार को मिले और उसमें कोटो में यह लड़ाई चल रही थी, कुछ पॉलिटिकल लोग उसको दखल करना चाहते थे और उस लड़ाई के चक्कर में यहाँ बीसीए की मान्यता नहीं
विषय के मान्यता न होने की वजह से यहाँ के ऐसे जो होनहार खिलाड़ी थे उनको दूसरे जगह जाकर खेलना पड़ता था। और मैं बता दूं कि बिहार का ही वो लाल जो धोनी बीसीए की मान्यता न होने के बाद झारखंड जब स्टेट बटा और झारखंड में वो जाकर खेले तो आज दुनिया में इस भारत। तो फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।